नहीं और दूसरी आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। नहीं और दूसरी आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। जब जब थारा दर्शन पाऊं, धन धन अपना भाग सराऊं, थारे दर्शन पर बल बल जाऊं। जब जब थारा दर्शन पाऊं, धन धन अपना भाग सराऊं, थारे दर्शन पर बल बल जाऊं। मत करो मुझे ओ दासा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। नहीं और दूसरी आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। भक्ति जुगती मैं नहीं जानू, मैं तो एक आप को मानू, रूप किसाई न नो मैं डालू। भक्ति जुगती मैं नहीं जानू, मैं तो एक आप को मानू, रूप किसाई न नो मैं डालू। कटे काल की फांसा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। नहीं और दूसरी आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। कुछ नहीं बोलूं, बंद कर नैन द्वार में खोलूं, लगन मगन होए इत उत डोलूं। देखूं तुम्हें मैं कुछ नहीं बोलूं, बंद कर नैन द्वार में खोलूं, लगन मगन होए इत उत डोलूं। मेरी यही एक अभिलाषा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। नहीं और दूसरी आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। जिसने मान बढ़ाई खोई, उन पर दया आपकी होई, उनसे प्यार करें सब कोई। जिसने मान बढ़ाई खोई, उन पर दया आपकी होई, उनसे प्यार करें सब कोई। उनकी पूरी हो सब आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। नहीं और दूसरी आशा हो, सतगुरु जी मैं थारा दर से पियासा। गण चूक
माफ मार कीजे गलती भूल पर ध्यान न दीजे चरण कमल में हमको रख लीजे। चूक माफ मार कीजे गलती भूल पर ध्यान न दीजे चरण कमल में हमको रख लीजे। मर मिट जा सभी तेरा सा हो सतगुरु जी मैं थारा दर्श पियासा। सतगुरु जी मैं थारा दर्श पियासा। सतगुरु तारा चंद कंवर के स्वामी घट घट के तुम अंतर्यामी निज धाम की नूर निशाने। सतगुरु तारा चंद कंवर के स्वामी घट घट के तुम अंतर्यामी निज धाम की नूर निशाने। प्रीतम हरदम रहो मेरे पासा हो सतगुरु जी मैं थारा दर्श पियासा। नहीं और दूसरे आशा हो सतगुरु जी मैं थारा दर्श पियासा। कल की बात हाथ नहीं आनी बीत गई सो बीत गई। आगे की शुद्ध सोच विचारो ये सतगुरु ने सीख दई। सत्संग सेवा और करो बंदगी यही बात है नेक सही। कंवर कदर करो वक्त की ये अवसर मिलता फिर नहीं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए, नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वाद के लिए आप पधारे हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं ताकि आपकी मेहनत, आपके कष्ट उठा के यहाँ आने का आपको लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आप सबको इस मुबारक दिन की, नववर्ष की वेला पर सबको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। मालिक आप सबको खुशी दे, सुख समृद्धि खुशहाली दे, आपके सब दुखों को दूर करे, बुराइयों से हटा के सच्चाई के रास्ते पर आप चलें, हर प्रकार से आपको संतुष्टि और संतप्ति मिले। नए वर्ष का संदेश हम मानते हैं कि एक साल पीछे गया, समय को बांट रखा है पलों में, घंटों में, दिनों में, महीनों में, सालों में, युगों तक की गिनती की है।
समय बीतता है, रुकता नहीं है, चलता जाता है। गिनती करते करते, देखते देखते समय पता नहीं लगता कि कब निकल जाता है। अच्छे समय के लिए हम इंतज़ार किया करते हैं, शुभ अवसर का, किसी काम के लिए मंशा बनाते हैं कि हम उस अवसर से शुभ घड़ी में किसी काम की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस घड़ी में हमने शुभ काम की शुरुआत की, वही शुभ घड़ी है। जिस घड़ी में अच्छा काम हो जाता है, वही शुभ घड़ी होती है। कोई दिन बुरा नहीं है, कोई समय बुरा नहीं है, समय चलता रहता है, रुकता नहीं है। परंतु हम रुक के समय का इंतज़ार किया करते हैं, समय इंतज़ार नहीं करता। देखते देखते जिस समय का इंतज़ार किया वो भी चला जाता है। पीछे का साल गया, उसमें भी हमने इसी तरह से कामना की थी, इसी तरह से हमने संकल्प लिए थे कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। हमने अपने विचार बनाए थे, पिछली गलतियों से हमने सीख ली होंगी। लेकिन इंसान की एक भूल है, और उस भूल में इंसान का कम दोष दोष है तो मन का दोष है, माया का दोष है। मन और माया ऐसा खेल करते हैं कि इंसान अच्छा करते करते पता नहीं कब मन के चक्कर में आके रास्ते से भटक जाता है, उद्देश्य से दूर चला जाता है, अच्छे काम को छोड़ के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। परंतु जिसके सिर पर सतगुरु होता है, जो महापुरुषों का संग करता है, उनके वाणी वचन को सुनता है, और पूरी श्रद्धा यकीन मन में लाके हमेशा याद रखता है, तो कभी भटकता नहीं। क्योंकि जब भी ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई विचार या ख्यालात मन में पैदा होता है, तो उसी टाइम हमें संतों का वचन, उनका उपदेश, उनकी दी हुई शिक्षा, हमारे उस विचार को बदल देता है और हम भटकने से बच जाते हैं। अब भी वही बात आपसे कहूँगा, 12 महीने 2016 के पूरा एक वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी में से खो दिया है। बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके लिए पश्चाताप ये होना चाहिए कि हम गिने चुने दिन की ज़िंदगी लेके आए हैं संसार में, और उसके साथ भी हमने वादा किया था, संकल्प लेके आए थे, प्रभु के सामने करार किया था कि मालिक हमें इंसान का रूप दे के संसार में भेज, ताकि हम अपने जीवन को सफल कर सकें, कामयाब कर सकें, 84 लाख के जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटा सकें। हमें पाप कर्म से बचाओ, सत कर्म में धर्म के मार्ग पर चलाओ। हमारे कर्म से, हमारे वचन से और हमारे मन से किसी का बुरा ना हो। जितना भी हम कर सकें, हर जीव के लिए हम अच्छा ही अच्छा करें। लेकिन फिर भी अच्छा करना चाहते थे, भूल हुई, जाने में अनजाने में हमारे से गलतियां हुई हैं, लेकिन उनसे शिक्षा लेनी चाहिए हमें,
उन बातों को याद करके आगे का रास्ता सुधारना चाहिए कि आने वाले वर्ष में 2017 में जो त्रुटियां हमने की, जो गलत कार्य हमसे हुए, किसी को हमने वाणी से, किसी को कर्म से, किसी को किसी तरह से भी अगर कष्ट पहुंचाया हो तो उसके लिए अपने मन में खेद और आगे अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। जब भी कोई हमारे साथ अच्छा होता है तो शुक्राना करना चाहिए, परमात्मा का, सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए कि आपने हमारी खोटी नीयत को सुधार के अच्छे कामों में लगा दिया। और जब कोई विपत्ति, दुख, कष्ट आता है तो उस समय अरदास करनी चाहिए कि हमें इस कष्ट से, इस समस्या से, इस बुराई से निकालो, हमारी मदद करो। लेकिन जो संतों का सेवक होता है वो दुख में, सुख में कभी भी विचलित नहीं होता है। विचलित होने का काम कब होता है? जब इंसान का मन डावाडोल होता है। जो जीव संतों की शरण में जाता है, प्रभु का भजन करता है, शुद्ध और पवित्र कार्य करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है, वो अडोल और निर्भय हो जाता है। महापुरुषों की वाणी में फरमाया गया है कि जो पारस के परस से लोह कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। जिस प्रकार से लोहे का संग अगर पारस पत्थर के साथ हो जाता है, बहुत महंगे मोल बिकता है। वो क्यों बिकता है कि पारस पत्थर में एक खूबी है कि जब लोहे से उसको छू देंगे हम, वो सोना बन जाता है और उस सोने की कीमत तो लोहे से कई गुना ज्यादा होती है। ये तो सिर्फ बात लोहे की और पारस की बताई गई है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, इंसान को भी तभी कीमत मिलती है जब संत सतगुरु की शरण में जाता है, वो भी उसी प्रकार से कई गुना कीमत पा जाता है। संग करने से, लोहे ने अगर पारस का संग किया तो सोना हुआ, किसी वन की दूसरी लकड़ी ने चंदन के पेड़ों के साथ संग किया तो उसमें चंदन की खुशबू हुई, इतर बेचने वाले के साथ में अगर कोई हाथ भी लगाता है तो उसने उसको खुशबू को पा लिया, या किसी सुगंधी को किसी तेल में हमने डाल दिया तो उसमें भी उसने सुगंधी बना दी। अंधेरे में अगर गए दीप जलाने से जिस प्रकार से हमने प्रकाश प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से संतों के संग में जाने से जीव के कर्म कट जाते हैं और वो अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, पुण्य कार्य करने लगता है, प्रभु की भक्ति करके अपने जितने भी जन्म जन्मांतर के उसके कर्मों का भार लेके आया था वो दूर हट जाता है। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय हमारे पास अब है ये कभी मुड़ के आना ही नहीं है। साल नया नहीं, हर पल नया होता है, हर घड़ी नई होती है। आज जिस घड़ी में हम बैठे हैं ये घड़ी भी दोबारा नहीं आने। ये ऐसा मौसम, ये वातावरण, ये लोग सब इकट्ठे ऐसे कभी नहीं होंगे, तो फिर साल को नया क्यों कहते हो? हर पल नई है, हर पल एक संदेश देती है कि तेरा बहुत कीमती समय बीता जा रहा है। अगर इसका लाभ हमने नहीं उठाया तो यूं समझो कि हमने अपने जीवन को कोड़ियों के भाव बेच दिया। दुनिया की जितनी भी लुभाने वाली चीजें हैं, पदार्थ हैं, ये चंद रोज के होते हैं। उनको प्राप्त करने से मन को शांति कभी नहीं मिलती, बेचैनी मिलती है। धन अगर ज्यादा है तो बेचैनी है, और दूसरी जितनी भी चीजों का संग्रह करोगे बेचैनी का ही कारण होगा। जिनको चीज की अधिक की जरूरत नहीं है, जिन्होंने संतोष कर लिया है, जिनके मन में संतोष है, उनके लिए सब धन धूल के समान।
लेकिन वो कौन होते हैं? इसीलिए संतों को फकीर, फक्कर, त्यागी क्यों कहते हैं? कि वो सब कुछ चीज प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकते? रविदास जी को पारस पत्थर दे दिया, कहने लगे कि आप इसको रखो और लोहे का सोना बना लेना। लेकिन रविदास जी ने क्या किया? नज़र उठा के नहीं देखा, उस पारस पत्थर को उठा के रख दिया। और जब पूछा गया कि आपको पारस पत्थर दिया था, आपको तो बहुत अमीर बन जाना था, लोहे का सोना बन जाता, कहने लगे मुझे सोने से क्या लेना है, जो चीज़ मुझे प्रभु की भक्ति में, नाम में मिली है, वो इसे पारस पत्थर से या सोना बनाने से मुझे नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी मन की वृत्तियों का बिखराव करके मुझे नरकों में ले जाएगी। ये माया छलने वाली है, ये इंसान को लूट लेती है, इसमें ऐसी चमक है कि जिसकी नज़रों पे पड़ती है नज़र बंद जाती है उसकी, उसको दूसरी चीज नज़र नहीं आती। इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं, बल्कि संतों का संग जो कर लेता है उसके मन बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाती है, उसके मन के सभी विकार निकल जाते हैं। जब तक मन के विकार नहीं निकलते उसका क्रियात्मक जीवन नहीं सुधरता, और क्रियात्मक जीवन कब सुधरेगा? जब संतों के वचन सुन के उन पर अमल करता है, उनको अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसका जीवन बन जाता है। वो चाह नहीं रखता संसार के पदार्थों की जरूरत के मुताबिक, जो भोग्य पदार्थ हैं भोगे जाते हैं, लेकिन जो जरूरत से ज़्यादा चीज़ होती है उसकी तरफ वो कभी नहीं भागते। जब हमने अपनी वासनाओं को, तृष्णाओं को और कामनाओं को काबू में कर लिया है, जो मिला उसी में संतोष है, उसी में मस्त हैं, तो हमें सब कुछ मिल गया। और सब कुछ होते हुए भी हमारी लालसा कुछ ना कुछ और प्राप्त करने की रहती है, तो समझो कि हम भिखारी के भिखारी हैं, वही चीज़ मांगते रहते हैं। भिखारी बनो तो सतगुरु के दर के बनो, उनसे वो दौलत मांगो जो तुम्हें मालोमाल कर देगी, और इस दुनिया में इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगी। जो भी जीव संसार में आता है अपने कर्म भोगने के लिए आता है और कर्मों का दुख पाता है, ये कर्म ही तो इंसान को इधर से उधर ऊंची नीची योनियों में, बल्कि और भी बुरे कर्म करवाता है, तो नरकों में लेके जाते हैं। हालत नहीं देखते हो, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, किसी को दो रोटी नसीब नहीं, कोई सर्दी गर्मी में तड़पता फिरता है, चोला इंसान का है, हालत उसकी बुरी से बुरी है। किसी न किसी जन्म में उसने गंदे मंदे कर्म किए थे, वो कर्म का फल उसके सामने आया है और उसको भोगने के लिए वो मजबूर है। इंसान को समझ दी परमात्मा ने, अकल दी, बुद्धि दी, ये और बातों के लिए तो बड़ा तर्क वितर्क करता है, लेकिन इंसान कभी अपने बारे में भी सोचता है कि मेरा हाल क्या होगा, या कभी ये भी विश्लेषण करता है कि दूसरे लोगों के साथ जो अपनी आँखों से हालत देखता है वो क्यों हुई है। वो कभी नहीं सोचता, उसको जो हालत, जो चीज़ें, जो वस्तुएं मिलती हैं, वो सोचता है ये मेरे भोगने का सामान है और मैं संसार में इन्हीं को भोगने के लिए आया हूँ। लेकिन संत मर्यादा बांध देते हैं, संत जीव की बुद्धि को धो डालते हैं, इसीलिए उसमें कहीं ने जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से ये जीव सुधर जाता है। क्योंकि दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग, दुर्मति जब इंसान के निकल जाती है, कुबुद्धि दुर्मति जहाँ होती है वो तो घर भी नरक के समान हो जाता है, और जहाँ सुमति है नाना प्रकार के सुख वहाँ होते, स्वर्ग जैसा हालात उस घरों में मिलेंगे आपको। जहाँ दुर्मति वहाँ दुख विधाना, और जहाँ सुमति वहाँ कोई अंत ही नहीं है, खुशियाँ ठाठे मारती हैं, सब मंगल है वहाँ पर। जिस घर में शांति है, जिस इंसान को संतोष है, वो कहीं भी जाएगा, उसकी मन बुद्धि अगर पवित्र हैं, उनके विचार शुद्ध हैं और संतों के वचन उसको याद हैं और संतों का संग करता है, तो उसका जीवन सौमेव बनता चला जाता है। क्योंकि वो जो मर्यादा उसको मिली हुई होती है, जो नियम में बंध जाता है,
वो फिर उन मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है। जब मर्यादाएं टूटती हैं तो वो तो परेशानी का कारण हमेशा बढ़ती है। इसलिए मर्यादा तो जो भी जहां जिस चीज़ की उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उनसे बंधना चाहिए। तो हर साल यही हमारे सामने संदेश होता है और हम सत्संगियों को तो ये विचार और ख्यालात करना चाहिए कि हम आज से, बल्कि ये संकल्प लेना चाहिए कि पीछे जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मन, वचन और कर्म से हम अच्छे, पवित्र और शुद्ध कार्य में अपने तीनों चीज़ों को लगाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्म ना दुख का हो मत दे, ऐती रहनी जो रहे वो शब्द रस ले। अगर शब्द क्या है, भक्ति, शब्द को शायद नहीं समझते हो कि शब्द का रस क्या है। वैसे तो शब्द की व्याख्या की जाए तो शब्द परमात्मा को कहते हैं सीधी भाषा में, क्योंकि उस शब्द की सारी रचना है ये। किसी भी ग्रंथ को उठा के देखोगे उसमें शब्द की व्याख्या करते हुए उसमें कही है कि शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द से चांद और सूरज बनारी। तो इसका मतलब शब्द से ये सारी रचना हुई है, वो शब्द है। इसलिए सारी की सारी जो उसके शब्द का रस लेना चाहते हो, प्रभु के नाम का आनंद लेना चाहते हो, तो संसार के रसों को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन संसार के रस हैं क्या? ये सिर्फ हमारे इंद्रिय भोग हैं, और इंद्रिय भोग का कितना आनंद, कितना हमें रस मिलता है वो थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद में वही आनंद, वही रस दुख में बदल जाता है। जब तक हमें वो रस, संसार का रस नहीं त्यागते हैं तो वो प्रभु का रस नहीं आता। लेकिन जब नाम का रस आपको आना शुरू हो जाएगा तो दुनिया के रस अपने आप फीके लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को जब काबू करेंगे, साधु योगी ऐसे ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी सुरती को अंतर में जोड़ लिया, आध्यात्मिक दर्जों पर जब ऊपर गए वो, तो उन्होंने उस शब्द का आनंद लेना शुरू कर दिया, तो चाहे उनका शरीर सूख के कांटा हो गया लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो बाहर की कोई चीज़ शरीर के लिए या इंद्रिय भोग के लिए या रसों के लिए इधर उधर गए हो। नहीं, उनको जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि जो आनंद उस चीज़ में मिलता है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। तो मन, वचन और कर्म से जो आदमी पवित्र हो जाता है, इसीलिए कही कि इन तीनों चीज़ों से किसी को दुख ना दो। जब तीनों चीज़ों से पवित्र हो जाओगे, मन से किसी को दुख देते, किसी के बारे में बुरा संकल्प उठाते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या पैदा करते हैं, या कोई मन में दुर्भावना लेके आते हैं, वो पहले हमें खुद को ही परेशान करेगी, तब कई बार किसी का कुछ कर सकते हैं, वो भी कर नहीं सकते, हमारे ही ख्यालात को ख़राब करेगा वो। वचन से अगर किसी को कटु वचन बोलते हैं, बुरा वचन बोलते हैं, तो वो उसको दुख देगा। उससे पहले समझो कि हमने बुरा बोलने की जो आदत बनाई है वो हमें बुरे से भी बुरा बनाता है। और कर्म अगर हम बुरे करते चले जाएंगे तो कर्म के परिणाम से तो कोई भी नहीं बचा है। संसार में जितने भी देखोगे सब के सब अपने कर्म भोगने के लिए आए, क्योंकि कर्म की प्रधानता है विश्व में। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया तिन तैसा फल चाख्या। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको चाखना पड़ता है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी कर्म तो खोटे मंदे करता है और सोचता है कि परिणाम उसको उसका अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म करके कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। देख लेना, चंद रोज के लिए खुश होता है इंसान। बुरे काम से अगर तुमने कोई कमाई की है, चोरी से की है, डकैती से की है, वो चीज़ क्या करेगी, कुछ दिन चलेगी लेकिन कुछ दिन के बाद में बर्बाद कर देगी, क्योंकि उसकी तासीर, उसके गुण जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो उसमें दोषपूर्ण चीज़ है, अवगुण भरे हुए हैं, उसमें बुरी भावना है। उसको जो भी सेवन करेगा वही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों से पवित्र होने की ज़रूरत है। हम कहते हैं देखा देखी नाम ले लेते हैं, गुरु की शरण में चले जाते हैं, रोज़ाना सत्संगों में भी आते हैं, लेकिन वचन को मानते नहीं। वचन जब नहीं मानोगे, उसको अपनाओ नहीं गे, उस वचन पर चलो नहीं गे, तो वचन का लाभ कैसे हमें प्राप्त होगा? कैसे पता लगेगा कि जो वचन कहा था वो सत्य कितना है? हम अपने काम के लिए भी गुरु ने हमें
جب وہ طریقہ بتا دیا, وہ بوٹی ہم کو دے دی, وہ جڑی دے دی جس جڑی سے ہمارا علاج ہوتا ہے, سروے روگوں کا ناش ہوتا ہے, وہ طریقہ بتا دیا کہ اس چیز کا سیون کرنے سے آپ کی سب برائیاں نس جائیں گی اور اچھائیاں آپ کے اندر آ جائیں گی. لیکن ہم اس کو نہیں کرتے, پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں جو کرے گا گرو کرے گا, جو کرے گا دیو کرے گا. کہیں مندروں میں, کہیں مسجدوں میں, کہیں گرودواروں میں, کہیں گروؤں کے پیروں میں جا کے گڑ گڑاتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیٹتے ہیں, کہتے ہیں, بلکہ وہاں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے تو پہلی تنخواہ آپ کو چڑھاؤں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو تیرا بھنڈارا لگاؤں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا, تجھے مکٹ پہناؤں گا, تیرے کپڑے لے کے آؤں گا, تجھے اور دان دکشنا دوں گا. کس لیے؟ اتنے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کے پاس وستو کہیں ڈھونڈے, کہیں کس بھی دعوے ہاتھ کہیں کبیر تب پائیے اور بھیدی لیجیے ساتھ. بھیدی تو مل گیا, چیز کوئی ہے, ڈھونڈنا کہاں چاہتے ہو, لیکن اس چیز کو پانے کے لیے بھیدی آدمی چاہیے. بھیدی ہے آپ کے پاس, گرو نام گیان کا ہے, گرو نے گیان دے دیا, سمجھ دی ہے, گرو نے طریقہ بتایا ہے, گرو نے وہ دوا آپ کو دے دی ہے. وہ دوا آنکھوں میں ڈالنے سے ہی تمہارا جو بھرم کا پردہ وہ ہٹ جاتا ہے, لیکن نہ تو تم نے اس کو آنکھوں میں ڈالا ہے, نہ ہی بیچاروں کو اپنے من میں لائے ہوں, نہ من کی برائیاں نکالی ہیں. جب تک وہ شدھتا پویترتا ہمارے خود کے اندر, ہم خود کو نہیں سدھارتے, پھر بھی ہم دوسرے سے ہی کروانا چاہتے ہیں. کوئی یگ کرواتا ہے, کوئی ہون کرواتا ہے, کوئی پوجا پاٹھ کرواتا ہے, وہ بھی دوسروں سے ہی کرواتا ہے. گھر میں کہتا ہے یگ ہون کوئی کرتا ہے, منتروں کا اچارن کوئی کرتا ہے, جو کروایا وہ تو پاس میں بھی نہیں بیٹھا, تو کیا اس کے پاپ کرم کٹ گئے کیا؟ وہ صرف دان دکشنا سے مول لینا چاہتا ہے پربھو کے نام کو بھی, وہ تو اپنے کرموں کو بھی دنیا کی دولت کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہے, جس کو سنتوں نے مٹی کہا ہے. سنت کہتے ہیں یہ مٹی ہے, یہ جس کو مل جاتی ہے بدھی بھرشٹ کر دیتی ہے. کہا ہے نا, کنک کنک تے سو گنیر مادکتا ادھیکائے وہ پائے بورا ایر وہ کھائے بورا, کہ اس کو تو دھتورے سے بھی زیادہ اس میں نشہ ہے. دھتورے کو تو کھانے سے آدمی کو نشہ ہوتا ہے, اور یہ مایا تو ہاتھ میں آتے ہی ملتے ہی بدھی بھرشٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جس کے پاس جاتی ہے اسی کی بدھی کو ہر لیتی ہے, اسی کے گیان کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے سنت جو گیان جڑی دیتے ہیں, جو امرت بوٹی اس کو دیتے ہیں, اس کو سیون کرنے سے تو امرت ہو جاتا ہے, جنم مرن سے مکت. امرت وہی ہوتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوتا. سنتوں کی بوٹی لے کے جو اس کا سیون کرتا ہے, وہ اسے جیون کو کامیاب کر لیتا ہے, پھر نہیں آتا سنسار میں. جب پیدا نہیں ہوگا مرے گا کہاں سے, امرت ہو گیا وہ. اگر اس بوٹی کو آنکھوں سے لگا لیتا ہے تو آنکھوں کا پردہ ہٹ جاتا ہے, اس کو اگیان اندھیرا مٹ جاتا ہے. گیان انجن ستگرو دیا اگیان اندھیرا ناس, ہری کرپا سے سنت بھیٹیا نانک من پرکاش. ہم سے بھاگی کوئی نہیں ہے, ہمیں گرو ملا, ستسنگ ملا, ہمارے شبھ کرموں سے انسان کا چولا ملا, اور اب بھی کتنا سندر وقت ملا ہے کہ ہمیں یہ اوسر ملتا ہے. کئی لوگوں کو تو ٹائم نہیں ملتا, بیچاروں کو دو روٹی کا روٹی روزگار کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, کہاں ستسنگ, کہاں بھکتی, کہاں نام, کہاں گرو, کہاں گیان, کہاں ان کو اوسر ملتا ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو بھاگی سے بھاگی انسان سمجھنا چاہیے. ستسنگ کوئی پاکھنڈ کا نام نہیں ہے. گرو جو پاکھنڈ کرتا ہے, آڈمبر کرتا ہے, کاروبار چلاتا ہے, ویاپار کرتا ہے, اس کو بزنس مین کہو, گرو نہ کہو, وہ دھرم مارگی نہیں ہے. جو جیووں کے کلیان کا مارگ کیا بتائے گا؟ اگر جیووں کے سدھار کا مارگ جو بتاتا ہے وہی سچا گیان ہے, اور اس کے برابر دوسری کوئی چیز بھی نہیں ہے. گیان سے تو انسان کا اندھیرا بھاگ جاتا ہے. اسی لیے نانک صاحب کہتے ہیں نا, گیان انجن ستگرو دیا گیان اندھیرا بناش. اگیان روپی اندھیرا جب جیو کا چھٹ جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, تو اس کو سب کچھ سچا نظر آنے لگتا ہے. وہ دوسرے کی برائی دیکھتا ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے تو کیا کیا ہے کہ دوسرے کے عیب, دوسرے کی برائیاں دیکھنے کے لیے یہ دیکھتے رہتے ہیں, اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ وہ انسان بھی اپنا پرسارتھ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, جو کرتا ہے, جو اچھا کرتا ہے, تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جس کے سر پر
सतगुरु का हाथ है, परमात्मा की जिस पर कृपा है, तो दो हाथों वाला इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा। जाको राखी साइया मार सके ना कोई बाल ने बांका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा संसार भी अगर दुश्मन हो जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जिस पर मालिक की मेहर होती है उसको कौन हिला देगा उसके उद्देश्य से। लेकिन जो ढुलमुल नीति के होते हैं, किसी जगह भी डटते नहीं हैं, पक्के नहीं होते हैं इरादे के, कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिसका इरादा पक्का नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसका इरादा पक्का है उसके लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी उसके सामने फूल बन जाएंगे। जो इरादे का पक्का है उसके लिए मंजिल खुद उसके पास चल के आती है। लेकिन जो इरादे निर्बल दुर्बल विचारों के ख्यालात के आदमी छोटी सी बात को भी अपने लिए राई का पाठ बना के खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे से नहीं होता। लेकिन संतों की शरण में जो जीव जाता है तो संत उसको वो ताकत देते हैं, अंदर की ताकत देते हैं। बाहर की शक्ति काम नहीं देगी, बाहर की ताकत क्या। जब तक अंदर में हम नहीं जाते हैं और जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक नूरी गुरु के दर्शन हमें अंदर में नहीं होते हैं, बातों से नहीं होंगे। कई इन बातों को सुन के मेरे पास आके कहते हैं कि जी हमें नूरी गुरु के दर्शन कब होंगे या हम सुमरण कैसे करें। अरे जब दीक्षा दी जाती है आपको सब कुछ समझाया जाता है, लेकिन भक्ति करने का कोई तरीका थोड़ा है। भक्ति तो विश्वास की और श्रद्धा की है। धन्य भगत ने कौन से आचार व्यवहार किए थे, उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। वो तो बेचारा पशु चराया करता था, पशु चराते चराते उसने क्या देखा कि कोई पंडित है पूजा करता है रोजाना, ये क्या करता है ऐसा, भोग लगाता है, गोल गोल पत्थर रखे हैं, परमात्मा नहीं मूर्ति नहीं, क्या करता है ये पंडित, अज्ञान है उसको पता ही नहीं। लेकिन जब देखता है कि ये पंडित करता क्या है, भोग की सामग्री लेके आता है, खाना लेके आता है, ठाकुरों को भोग लगाता है और फिर बाकी बचे हुए भोजन को खुद ले जाता है, पर्दा करके खिलाता है उसको, वो देखता है रोज़ाना। और देखते देखते उसने एक दिन पंडित से पूछ लिया कि पंडित जी आप क्या मुझे बताओगे कि आप क्या करते हो। कहने लगे अरे मूर्ख तुझे पता नहीं है, मैं ठाकुर जी को स्नान करवाता हूँ, उनको भोजन खिलाता हूँ और उसके बाद मैं प्रसाद लेता हूँ। बोले कि ये क्या काम आता है। बोले ये तो सब के सब काम करता है, इसे कोई भी काम करवा लो, प्रभु से तो कोई काम करवा लो, सारे काम उसी की मर्जी से होते हैं, उसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो हर जगह रहता है, वो सब के काम करता है, सबको संभालता है। कहने लगे तो पंडित जी आपकी तो इससे जान पहचान है, एक परमात्मा मुझे भी दे दे। अब बोला कि इसको कैसे समझाऊं मूर्ख को। तो भक्ति किसी की मोहताज नहीं है, आचार विचारों की ख्यालात की नहीं है, वो किसी आडंबर पर नहीं खड़ी होती। जिसके दिल में श्रद्धा जब ठाठे मारती है, विश्वास जिसका दृढ़ हो जाता है, संकल्प जिसका पक्का होता है, उसके लिए परमात्मा तो खुद आके पूछता है, उसके पीछे पीछे फिरता है कि बोल भगत तुझे क्या चाहिए। लेकिन उसकी परीक्षाएं होती हैं, रास्ते में आने वाली जो उसकी परीक्षा होती है उनको पार करना बड़ा कठिन होता है। ये दुनियादारी का खेल है, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति के रास्ते पर जब चलोगे, जब मोटे बंधनों से छूटोगे, नहीं तो एक दिन भी सत्संग में आओगे लोग उसी दिन ताने देने शुरू कर देंगे कि ये भी राधा स्वामी हो गया, ये भी गुरुओं के पास जाने लग गया, ये भी भगत हो गया। और हम क्या करते हैं, शर्म के मारे उस रास्ते को छोड़ देते हैं। जो बुरे काम करते हैं, शराब के ठेके पे रोजाना जाते हो, रोजाना तुम लड़ाई झगड़ा रोजाना करते हो, बुरी जगह में रोजाना बैठते हो, वहां तुम्हें कोई नहीं कहता, उन बुरी चीजों को देख के कभी भी आप ये घबराते शर्माते नहीं कि मैं क्या करता हूँ। सत्संग किसी को बुरी बात थोड़ी, सत्संग तो इंसान के जीवन को बढ़ा देता है। जो सच्चे दिल से सत्संग से जुड़ जाता है उसका हर प्रकार से जीवन ऐसा बन जाता है कि वो किसी चीज़ का मोहताज रहता ही नहीं है, क्योंकि टाइम पर अपने काम करता है, समय रहते हुए अपना जो प्रभु की भक्ति में लगाता है और उसको फुर्सत मिलती है तो उसमें अच्छे काम करता है जिनका परिणाम उसको हमेशा अच्छा मिला करता है। तो धन्य भगत को ऐसे करते करते जब ज़्यादा उस पंडित के पीछे पड़ा तो उसने कह दिया भाई तेरे को मैं ये तो दे दूंगा लेकिन मुझे गाय चाहिए इसके बदले में। जो अच्छी से अच्छी दूध देने वाली गाय थी पंडित ने ले ली, धोखे से ले ली।
उसको तो पता था कि तू क्या भोग लगाता है, पर्दा करके एक बार उसके मुंह से लगा के और कहता, जैसे आप भी तो घरों में करते हो ना, जब माउस की मंगलवार की जोत करते हो, अच्छा भोजन बना के आग सामने रख के उस पर थोड़ा भोजन डाल के और कहते हो कि ये भोग लगाते हैं और उसमें अग्नि लग जाती है तो कहते हो कि अब भोग लग गया, अब खाना खा लेंगे, ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन वो भी उससे तो अच्छा था, उसको एक पत्थर उठा के दे दिया और वो पत्थर उठा के लेके चले गया, ले जाके उसने अपनी चौकी सजा के धो के उस पर नला धुला के उसको पत्थर को रख के कहने ले गया कि ये ले आज के बाद मैं तो यहीं से तेरे से काम करवा लूँगा, मेरे पास काम बहुत हैं, खेत के काम हैं, ये गाय चराने का काम है, मैं ज़मींदार आदमी और मेरा कोई मदद करने वाला भी नहीं है। उसके साथ बातें करने लग गया और खाना बना के जैसा था कहता है कि खाओ इसको, इसको खाओ। खाता क्या है उसको पता ही नहीं था। बोला कि पंडित के पास तू रोजाना खाता था, वहां इतनी देर कभी नहीं करता था। बोला कि समझ गया मैं कि वो पर्दा करता था, ये ले मैं भी पर्दा कर दूंगा। ले पर्दा करने से अब तो खा, ये बातें करता है वो, कितना भोड़ापन है उसकी बातों में, लेकिन उसमें देखो कि श्रद्धा भी कितनी है। उसने उसकी कही हुई बात को पक्का मान लिया। अरे हम तो जो गुरु हमें सत्य वचन कहता है वो पाखंड की बात को भी सत्य बनाता है। जब तुम किसी झूठी बात को भी अपने मन में पक्की मान के करोगे तो वो तुम्हारे लिए सच बन जाएगी। अब लोग कहते हैं कि सच्चे गुरु नहीं मिलते। सच्चे गुरु क्यों नहीं मिलते? सच्चे का ख्याल आया तो इसका मतलब झूठे का ख्याल तुम्हें आया कहाँ से? सच्चा है तो झूठे का ख्याल आया, या तो झूठे की भी बात त्याग दो। अगर झूठे हैं संसार में तो कोई सच्चा भी है, और जब सच्चा है इसीलिए झूठ का ख्याल आता है। तो आदमी अपने ख्याल से सब कुछ बना लेता है, और वही धन्ना भगत ऐसा हुआ कि सारे काम उसी से करवाने शुरू कर दिए। जब सारे काम होते हैं पंडित कहने लगे, पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आपने मेरे ठाठ कर दिए, कैसा दिया परमात्मा, रोज बात करता हूँ सारे मेरे काम करता है। बोले अरे क्यों झूठ बोलता है? बोले झूठ पंडित जी आप भी ये कहते हो, और तो कोई कह दे तो मान लूँ। बोले कि मुझे दिखाएगा? बोला तुझे दिखाऊंगा, आ जाना। लेकिन भोले भक्त जो होते हैं उनके दिलों में वास करता है, इसीलिए बात सच्चाई के लिए कही गई। सब धन्ना नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने विचारों को शुद्ध तो कर सकते हैं। श्रद्धा का फल मिलता है, अपनी श्रद्धा को तो दृढ़ कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं होती। प्रेम, भक्ति, त्याग, ये सब की सब चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। जब तक हमारे दिल में खुद की सच्चाई नहीं है तो हम दूसरे की बात पर क्या यकीन करेंगे? हम दूसरे की बात को झूठा क्यों मानते? खुद झूठे हैं। अगर हम दूसरे की बात को सच्चा कब मानेंगे? जब हमारे दिल में सच्चाई होगी। जिस प्रकार से धर्म युधिष्ठिर को जब गुरु द्रोण ने कहा कि दुनिया में कोई पापी और झूठा आदमी ढूंढ के लेके आओ, और वो घूम फिर के आके कहते हैं कि मुझे कोई भी बुरा आदमी, झूठा आदमी, पापी आदमी दुनिया में नहीं मिला, सब धर्मात्मा है, क्योंकि उसके ख्याल विचार ऐसे थे ही नहीं। जिसके खुद के विचार ऐसे अच्छे हैं, पवित्र हैं, वो दूसरे में बुराई नहीं ढूंढता। सत्संगियों को भी ओगणग्रही नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के ओगुण देखते हैं, ओगुण देखने की आदत पड़ जाएगी, और अवगुण जब देखोगे हम खुद अवगुणों से भर जाएंगे। उनको देखते देखते हमारे ख्यालात में वही बात रहेगी। सोते जागते, उठते बैठते, दिन में कोई बात देखते हो, कोई ख्याल जाता है किसी बात को, आपको कभी ना कभी स्वप्न में वही चीज़ दिखाई दे जाती है। क्यों दे जाती है? कि वो जाके दिमाग में घर कर लेती है, वो विचलित करती है आदमी को। शरीर सो जाता है हमारा, इंद्रियां भी आराम कर लेती होंगी, ये मन आराम नहीं करता है। सोते हुए भी हमें भटकाता है, कहीं कहीं लेके फिरता है। क्या क्या स्वप्न में हमें दृश्य दिखाई देते हैं, क्या क्या घटित होता है, कहीं दुख भोगते हैं, कहीं सुख भोगते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, वो हमारे ख्यालात का तो परिणाम है सबका सब। इसलिए अवगुण ग्रही ना हो के गुण ग्रही होना चाहिए। हमें अच्छी बात या अच्छे गुण दूसरों से लेके अपने अंदर संग्रह करना चाहिए, और बुराइयों को एक एक करके त्याग देना चाहिए। जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक हमारा भक्ति मार्ग पर हम चलने के लायक भी नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।
गंगा को पवित्र मानते हैं, पाप नाशनी मानते हैं। अगर शुद्ध विचार मन में है, मन आपका पवित्र है, अच्छा है, तो समझो कि आपके मन में ही गंगा है, वो सब पापों का नाश करने वाली वस्तु आपके पास ही है। इसलिए कभी भी हमें बुरा ख्याल, बुरा विचार अपने मन के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाम ऐसी वस्तु है, ये उस जगह नहीं रहती। जिस प्रकार से कहिए कि जी रवि रजनी दोनों एक जगह नहीं रह सकती, पाप और पुण्य दोनों एक जगह नहीं हो सकते, इसी प्रकार से जहाँ पाप है वहाँ धर्म नहीं होगा। तो जिस आदमी खुद के विचार अच्छे नहीं है, उसको कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं नज़र आता। जब दुर्योधन से गुरु द्रोण कहते हैं कि दुनिया में कोई सच्चा और अच्छा इंसान देख के ढूंढ के लेके आओ, दुर्योधन घूम फिर के आके कहता है कि दुनिया में एक भी आदमी अच्छा और सच्चा नहीं है, कोई भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के खुद के विचार अच्छे नहीं थे। तो जिसके खुद के विचार अच्छे नहीं, उसको दुनिया भी ऐसी नज़र आती है, जिसकी आँखों पर जैसा पर्दा पड़ जाता है उसको वैसा ही नज़र आता है। लेकिन संतों के पास जब जाओगे तो संत तुम्हें वो चश्मा देंगे जिसमें तुम्हें सिर्फ परमात्मा, अच्छे गुण, परमात्मा की भक्ति और अच्छे काम करने के लिए ही तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारे सारे के सारे अवगुण दूर भागते चले जाएंगे। ऐसी बातों को लेके हमें सोचना चाहिए कि कण कण करके जो जीवन बीता जा रहा है ये ऐसे ही निकल जाएगा। आखिरी वक्त जब होगा, शरीर हमारा किसी काबिल नहीं रहेगा, और जब हम कुछ करना चाहेंगे तो होगा नहीं। जो कुछ होता है वो स्वस्थ शरीर में और जब तक हम तंदुरुस्त हैं उसी वक्त कर सकते हैं। तो वो अच्छी आदत हमें उसी टाइम डालनी चाहिए जब हम सब कुछ करने के लायक हैं। जब किसी लायक नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बीमारी घेर लेंगी, इंद्रियां जवाब दे देंगी, तब तो हमें घरवाले भी पसंद नहीं करेंगे। क्या हालत होगी हमारी कि थर थर काया कांपण लागी, हल्ला जाता जरा नहीं, जिसे बुलावा कड़वा बोला, रांध कटी तेरी मरा नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उधर को भरा नहीं, इन मालिक ने याद करे से कौन हाल प्रभु मेरा। समझ लेने कौन है तेरा, इस संसार में कौन अपना है, सब स्वार्थ के संगी हैं। अगर हमारे होते, मैंने किसी को साथ जाते हुए नहीं देखा। कोई लाखों करोड़ों में एक आधा केस ऐसा हुआ होगा के साथ गुजरे होंगे कोई, लेकिन नहीं। तो चाहे कोई किसी का कितना प्यारा है, चाहे कोई किसी से को कितना अच्छा लगता है, चाहे उससे कितना ही उसको लाभ मिलता है, परंतु जाना तो इंसान को एक अकेले है, और वो भी अपने कर्म को साथ लेके जाना है। जिन्हें अच्छे कर्म किए हैं वो संसार से हंसता खेलता जाता है, लेकिन जिसने कर्म बुरे कमाए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो वो तो दुखी जाएगा संसार से, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो किया उसका परिणाम अब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि देखते देखते हम यहीं भोगते हैं, लेकिन आदमी जब दूसरों को देख के भी जो शिक्षा नहीं लेता, समझ नहीं लेता, तो इंसान अपने आप अपने परिणाम से अवगत हो जाता है। इसलिए प्रेमियों, जो चीज़ संतों के पास मिलती है वो दुनिया में किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। इसीलिए इसको सच्चा सौदा कहा है। नाम का सौदा जो करता है, इसका कोई मोल नहीं है, किसी हाट पर नहीं मिलती। और संसार में सब सामान आया है, ये संसार बनिए जैसी दुकान है, जिसमें कोई भी सामान, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु लेना चाहते हो सबकी सुध मिलेंगी। लेकिन बुद्धिमान इंसान वो है जो समय रहते हुए नाम की कमाई करके जो पूंजी लेके आया था उसको चार गुना उससे लाभ कमा के जाता है। और मूर्ख इंसान उसी को कहा जाता है जो उस कीमती वस्तु को, सांसा रूपी पूंजी को कोड़ियों के भाव बर्बाद करके चला जाता है, उसको ये फिर अवसर नहीं मिलता। लाख कोशिश करने पर भी अंदाज़ा लगाओ कि इंसान के जीवन की कीमत क्या है। अगर कोई भी कितना, सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा, उसने कितना लंबा चौड़ा खजाना लूट लूट के संसार को इकट्ठा कर लिया था। सोने की लंका थी रावण की, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। तो ये दौलत, हुकूमत, महल, मकान, लंबे परिवार किसी के काम नहीं आते। रावण के 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन दुनिया से जब गया उसके महलों में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा।
سب کے سب سوا ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ انسان کو انکار مارتا ہے، کام کرودھ لوبھ موہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ شترو انسان کے سب سے بڑے ہیں۔ لیکن ستگرو کی شرن میں جب چلے جاتے ہو تو ستگرو ان کا بھی آپ کو سہل طریقہ بتاتا ہے کہ کام کام کی طرح سے کرو، لوبھ کس چیز کا کرو کس چیز کا کرو، میں زیادہ سے زیادہ پربھو کی بھکتی کروں۔ موہ اگر تمہارا ہے پریم پربھو کے ساتھ جوڑو، وشدھ پریم جوڑو۔ یہ دنیا داری کے پریم تو جس کے ساتھ کرو گے وہ تو تمہیں کبھی نہ کبھی دکھ دے گا، ضرور دے گا، وہ جدا ہو جائیں گے ہم سے اور وہ دکھ کا کارن بنے گا، وہ موہ ہے، وہ بندھن ہے، پھانس ہے۔ لیکن پربھو کے ساتھ جو تم ناتا جوڑو گے، جیسے میرا بھائی نے جوڑا، سہجو بھائی نے جوڑا، کرما بھائی نے جوڑا، ان وشدھ پریم تھا ان کا، کرشن جی کی انہوں نے بھکتی کی اور ان کو ساکشات درشن دیے، ہر قدم پر ان کو چیتایا، ساکشات پرگٹ ہو کے ان کو ہر قدم قدم پر بچاتے رہے اور ان کا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا پریم سچا تھا۔ اسی لیے پربھو کی بھکتی جو کرتا ہے اور سچا پریم اس سے لگ جاتا ہے تو اس کو موہ کہو وہ بندھن نہیں بڑھتا، اور بندھن بڑھتا ہے تو کس کا؟ جیسے کہی ہے کہ باجی مان دوں رام سے، پرماتما کے ساتھ بازی مانڈو اگر ماننی ہے تو، اگر مقابلہ کرنا ہے پرماتما سے کرو، ہارو گے تو پرماتما کے ہو جاؤ گے اور جیتو گے تو پرماتما کے، تو بھی پرماتما، دونوں ودھی پرماتما تمہارا ہے۔ لیکن ہم تو کرتے کیا ہیں، دنیا داروں سے کرتے ہیں، غریب نربل دربل کو دبانا چاہتے ہیں، بڑے کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ارے کیوں کیوں دربل کو، کیوں بڑے کو؟ تم اس کو یاد کرو نا جو سب کی سنبھال کرتا ہے، 84 لاکھ یونی سب جیووں کو ان کا جیسی ضرورت ہے سب کی پورتی کرتا ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے کھیل کو دیکھ کے بھی، ہم سمجھوان گیانوان ہو کے بھی اگیانی بن کے اپنے جیون کو پشو کی طرح سے جب برباد کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کہاں سمجھ ہے، کہاں ہم سوچیں گے؟ پھر یہ گنتی کرتے رہنا سالوں کی، برسوں کی، مہینوں کی، کہ سمے بیت گیا، آگے آنے والے سمے میں یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آدمی کو میں کہتا ہوں کہ سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ جیسے ایک بار کی بات ہے، وہ وقت رکتا ہی نہیں ہے، مرتیو کسی کی بس کی نہیں ہے، ہم انتظار کرتے ہیں یہ تب کروں گا جب کروں گا، اور پھر پچھتاتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ سر پر چکر چلے کاڑ کا، آن صدی سے وائے گھڑی، جم کے دوتا نے آ کے گھیرا، دم تیرے پر بھیڑ پڑی۔ شریر کے اوپر جب آتی ہے بیتتی ہے تو آدمی پھر اس کے زندگی کے کیے ہوئے کرم آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، بھلے برے کھوٹے کرم۔ اسی لیے میں نے بھی ایک وہ لکھا ہے کہ کل کی بات پھر نہیں آنی، مڑ کے نہیں آنی، کل کی بات پھر نہیں آنی، بیت گئی سو بیت گئی، آگے کی سدھ سوچ بچارو، یہ ستگرو نے سیکھ دی۔ آگے کی سوچ بچارو، بیتی تائیں بچار دے، آگے کی سدھ لے، جو بیت چکا ہے اس کے لیے پچھتاوا کیا؟ اگر پچھتاوا بھی ہے تو اسے شکشا لو کہ وہ میں نے ایسا کیا تھا تو اس کے کارن میرے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن اب میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ اب جو ٹائم اور سمے بیتا ہے وہ بیت گیا، لیکن اب آنے والا سمے اس کا پورا لابھ اٹھاؤں گا۔ میں بات کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے یاد آ گئی کہ ایک بار ایک مستری کنویں کو چن رہا تھا، اور کنویں کی جب چنائی کرتے تو نیچے جا کے اوپر نال کو لے کے آتے تھے، چنائی کرتے کرتے اوپر لے آیا، اور اوپر آ کے جب کام پورا ہو گیا تو کنویں کے اندر گر گیا۔ گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ شاید مر گیا ہوگا، کتنی اونچائی سے گرا ہے، کنویں میں گرا ہے۔ لیکن وہ زندہ تھا، اس نے کہا بھائی مجھے باہر نکالو، نولا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے گھر والے سارے ولاپ کرنے لگے کہ دیکھو یہ تو غلط ہو گیا، ہمارا آدمی گیا کنویں میں گر گیا، بچے گا نہیں، اب ہم کیا کریں گے، کیسے گزارا ہوگا۔ باہر جب آیا، آنے کے بعد اس کے پوچھنے لگ گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آج اگر میں مر جاتا تو آپ کیا کرتے؟ گھر والے کہنے لگے جی مر جاتے تو کیا کرتے، صبر کرتے۔ گھٹنائیں انسان کو بڑی سے بڑی شکشا دیتی ہیں، قدم قدم پر ہمیں شکشا ملتی ہے، گیان ملتا ہے، سمجھ ملتی ہے،
लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। क्यों? संत सतगुरु कहते हैं कि सत्संग में जाके आँखों को खुला रख के दर्शन करो, कानों को खुला रख के वचन का श्रवण करो, और हृदय को या दिमाग को खुला रख के उनका संचय करो, संग्रह करो। स्वामी जी महाराज ने उनको बड़े अच्छे ढंग से कहा। वो कहते हैं दरस करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुण 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 के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। तो इन चीज़ों को आदमी खुला रख के चले, इनको टकटकी लगा के हर चीज़ को हर बात को गौर से सुनता रहे, जो सुनता है उस पर अमल करने के लिए अपने दिमाग में रख ले। कानों से सुनोगे कोई भी वचन हमारे, ये नहीं हो कि उससे वंचित हो जाए, हम सुन ना पाए। तो उसने कहा कि बोलो भाई कि आज अगर मैं मर जाता तो आप लोग क्या करते? कहने लगे जी और करने के लिए क्या था, हम तो सबर करते। सबर करते तो कहने लगे सबर कर लेना, अब मैं इस काम में नहीं फंसूंगा, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे एक संदेश दे दिया है कि जो काम मैं अपने लिए करना चाहिए था मैं नहीं करता। मैं परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, दुनियादारों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तो अगर तुम मेरा ये सबर कर लो कि मैं तुम्हारे समझ में जा चुका दुनिया से, लेकिन अब जो मुझे करना है वो मेरे लिए करूँगा। तो इसलिए इसमें संदेश तो ये है कि हम हमारे लिए क्या करते हैं, दूसरों के लिए हम सारे भागे दौड़े फिरते हैं, संतान के लिए ये कर दें वो कर दें, महल मकान बना दें, उनके लिए धन जोड़ दें। किस लिए धन जोड़ दो? जिसके कर्म में नहीं है तो धन जोड़ के दे दोगे, बर्बाद कर देगा, आग लगा देगा, वो और गलत आदत पड़ेगी उसको, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा और उल्टे सीधे कर्म करेगा। लेकिन अगर अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई है वो बुरे रास्ते पर नहीं लगाएगा। जो चीज़ इस तरह से हासिल होती है, प्राप्त करता है, वो उसके जीवन को भी बर्बाद करके और बिगाड़ के रख देती है। तो उनसे कहने लगे आज से मेरा सबर कर लो, मैं जिस काम के लिए बचा हूँ मैं वही काम करूँगा। कहने का मतलब था अब मुझे इस काम के लिए जीना है कि मैं प्रभु की भक्ति करूँ, और मेरे लिए जो काम आएगा वो चीज़ मेरे काम आएगी। तुम अगर भक्ति करते हो उसको कोई भी रिश्तेदार, हिस्सेदार, कोई भी दूसरा आदमी उसको बटा नहीं सकता। इसलिए हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है उसको तो ज़रूर निभाएं, अपने कर्तव्य हैं उसको निभाएं। मैं धर्म की परिभाषा दूसरे ही ढंग से दिया करता हूँ। मैं कहता हूँ हर इंसान का धर्म क्या है कि जिस हालात में, जिस अवस्था में वो है, उसी अवस्था में अपने पूरे फर्ज को पूरा करना ही उसका धर्म है। पिता का पिता के रूप में, संतान का संतान के रूप में, स्त्री का स्त्री के रूप में, बहू का बहू के रूप में, और सास का सास के रूप में। अगर हम उन धर्मों का निर्वाह नहीं करते हैं, उन पर नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप की, सास ससुर की पहली चीज़ है सेवा। हम सत्संग में सबसे ज़्यादा जोर सेवा पर देते हैं। क्यों देते हैं? कि सेवा से इंसान के दिल में दूसरे के प्रति परोपकार की भावना पैदा होती है, उससे इंसान का खुद का अहंकार टूटता है। तीसरी चीज़, दूसरे को जो सुख पहुंचाता है उसकी अच्छी दुआ मिलती है। चौथी चीज़, परमात्मा जब देखता है कि वो इस अच्छे काम में लगा हुआ है तो उसका मन निर्मल होता है और उसको अच्छा करने की एक आदत पड़ती है। सबसे बड़ी सेवा है, जिसने सेवा की उसी ने भक्ति की, उन्हीं के दिलों में प्रेम हुआ। जो सेवा नहीं करता वो भक्ति भी नहीं कर सकता, जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम कभी नहीं हो सकता, दया उसके दिल में कभी नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने घरों में सुख शांति खुशहाली के लिए बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानना चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानते हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो, उस बात में हमारा बहुत भला होता है, बहुत ही भला होता है। ये जितनी बुजुर्गों ने बातें कही या जितनी कहावत हैं, ये झूठी नहीं है, सब की सब हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती हैं। अगर उन पर हम अमल करें, उनको ले कर चलें, वही हमारे लिए
अच्छे संस्कार बन जाते हैं, लेकिन उन बातों को जब हम मानते ही नहीं हैं, उन पर अमल नहीं करते, तो वो सिर्फ कहावत बन के रह जाती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। आज बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे जानते नहीं हैं कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन क्या है, उनके अंदर प्रेम नहीं है क्योंकि परिवार में रहे नहीं हैं। सामाजिकता खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है? कि उनको हमने ये शिक्षा नहीं दी। अगर वो परिवार में रहते, मिलजुल के रहते, एक दूसरे बड़े छोटे के कायदे को देखते, तो आदमी अकेला पढ़ाने से नहीं पढ़ता है, देखने से। हम तो दो रोटी रोजगार के लिए पढ़ाई करवाते हैं, किसी को कानून की पढ़ाई करवा दी, किसी को इंजीनियरिंग की करवा दी, किसी को और दूसरी करवा दी, सिर्फ वो पेट पालने का साधन बनाया है उनका, और कुछ नहीं किया। अगर उन बच्चों में अच्छे संस्कार और सामाजिकता लानी है, तो घरों के अंदर उनको पहली शिक्षा जो है माँ बाप के द्वारा जो दी जाती है, उसको प्रेम की शिक्षा, अच्छे गुणों की शिक्षा, बुज़ुर्गों की सेवा करना, उनके वचन की पालना करना, जब इन बातों को सीख जाएंगे तो समझो कि घरों में भी शांति होगी, समाज में भी शांति होगी, देश भी उन्नति करेगा। लेकिन ना तो हम बुज़ुर्गों की बात को मानते हैं, ना ही कोई सेवा उनकी करते हैं, तो घरों में सास ससुर का सेवा नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, सास बहू का झगड़ा रहता है, बेटा बाप का झगड़ा रहता है। आज देखते हैं अजीब अजीब कहानी सुनने को मिलती है, बच्चे माँ बाप की आज्ञा के बिना अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, सारी ज़िंदगी माँ बाप जो अपने मुंह का निवाड़ा काट के बच्चों को पैदा करता है, और वो बच्चे अपनी मर्जी से फिर नहीं, कम से कम उनमें इतना तो होना चाहिए कि अपने माँ बाप से आज्ञा लें, उनको बताएं, अपने मन की भावना को बता के उनको खुश करके। मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो कोई बात नहीं करो, मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ कि भाई कि कोई जाति का बंधन हो, हम तो जाति को मानते नहीं हैं, हम तो कहते हैं समाज जाति विहीन होना चाहिए, क्योंकि जात नहीं, जगदीश कर संतों को भी ना जो फंसा जात में वो लक्ष्य और सीमा, संतों को जाति पाती नहीं है, हम धर्म के बंधन में भी नहीं बांधते हैं, ये गलत बात है। हम तो इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि किसी धर्म में आ जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म में मर जाना बुरा है। चलता तो ये है कि मनुष्य मात्र के लिए काम करे, उनकी भलाई का काम करे, उनके जीवन सतर को अच्छा और पवित्र बनाने का जो काम करता है वो धर्म है। धर्म किसी को बंधुआ बनाने के लिए नहीं है, कुछ दायरे में बांधने का काम नहीं करता है धर्म। धर्म उनको संकीर्णता नहीं बल्कि विशालता की ओर लेके जाता है। सभी संतान हम परमात्मा के हैं, तो इसलिए मैं उनको ये शिक्षा देता हूँ कि शादी तुम किसी से भी करो, तुम्हारे माँ बाप को खुश करो, तुम्हारे माँ बाप की राय लो, जब उनकी सहमति हो जाए तो आराम से करो, जब माँ बाप की सहमति नहीं होती है, तुम अपनी मर्जी से करते हो, फिर मारे मारे फिरते हो, कहीं तुम किसी की सहायता मांगते हो, कहीं किसी की मांगते हो, समाज से, माँ बाप से, घर परिवार से बुरे मनते हो, माँ बाप को दुख होता है, क्योंकि माँ बाप की सबसे अच्छी पूंजी उसकी संतान होती है, उसी में वो अपना सब कुछ लगाते हैं, और वो संतान अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अगर माँ बाप के साथ ये सलूक करती है, तो उसके दुख का आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या बीतता होगा उनके साथ। इसलिए ये संस्कारों की कमी के कारण है, हम अच्छे गुण नहीं दे पाते अपनी संतान को। दोष संतान का नहीं, दोष माँ बाप का होता है। माँ बाप अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण दें, घरों में बैठा के उनको अगर थोड़े टाइम के लिए भी कुछ बातें समझाएं, तो उनको ये बात बेखूबी समझ में आ सकती है। इससे अच्छा हमारा पुराना समाज था, ठीक है अक्षर ज्ञान नहीं था, शिक्षा की कमी थी, अनपढ़ता जरूर थी, लेकिन संस्कार थे, और संस्कारवान जो थे उन्होंने कभी भी अपने समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होने दी। लेकिन आज संस्कार विहीन होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए घरों में प्यार प्रेम हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर हो, उनके वचन की पालना की जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी बातों को अगर हम सम्मान दें, इज्जत करें, तो हमें कभी दुख नहीं आ सकता। तो पहली चीज़ है कि इंसान का अपना खुद का चरित्र ऊंचा हो, दूसरी चीज़ है घरों में प्यार प्रेम शांति हो,
बूढ़े बुजुर्ग के हर प्रकार से इज्जत सम्मान हो, वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मालोमाल कर देंगे उसी से। तुम बेशक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, बेशक तुम इन गुरुओं के पास ना जाओ, माँ बाप की सेवा करके देखो, उनकी पूजा करो, उनकी पूजा करोगे वो तुम्हें अपने आशीर्वाद से ऐसी वस्तुएं प्रदान कर देंगे कि तुम्हारे दुख दर्द बीमारी तकलीफ सब प्रकार की चीज़ों को दूर करके सुख शांति और खुशहाली देंगे। इसलिए संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम जितना हमारे से हो सकेगा परोपकार के काम करेंगे, भलाई के काम करेंगे, बुराइयों से दूर होंगे, जितना हमसे हो सकेगा दूसरे हमारे साथियों को भी बुराई से बचाएंगे, उसका बड़ा पुण्य मिलता है। देखा देखी इंसान बहुत कुछ करते हैं, अरे शराब पीने वाले अपनी पार्टी बना लेते हैं, सुल्फा गांजा पीने वाले अपने साथ और लोगों को जोड़ लेते हैं, देखोगे वो बुरी आदत उनको और सिखा देते हैं। आप अच्छे रास्ते पर चलने वाले हो तो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते? इसका मतलब आप सही मायने में उस रास्ते पर नहीं चले हो। अगर हम भी सही रास्ते पर चलें, अच्छे गुण हमारे कोई देखेगा तो हमको देख के ही वो अपने आप उस मार्ग पर आ जाएगा, कहेगा कि इनको ये अब लोग क्या दृष्टि क्या दृष्टि दोष है। कोई सोचता है कि इसको ये मिल गया, वहाँ जाने से मिल गया, मिलता सब कुछ मिलता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ। कोई भी चीज़ आती थी, स्कूटर ले आया कि दिवा दिया बाबे ने, कार लिया दिवा दिया बाबे ने, जो भी काम हो या यूँ नहीं करते, क्यों भाई बाबे बाबे पास रहने लग रहा और कौन दिवा होगा। शराब भी हूँ तो ठेका लेन दिया हूँ, पीछे किसके मोटरसाइकिल ले हूँ हमें। तो ये लोगों की संकीर्णता है विचारों की। अरे गुरु के पास जाओगे, अच्छे काम करोगे, बर्बादी का रास्ता छोड़ दोगे, तुम्हारे घर में ठिकाना ही नहीं रहेगा। देता है गुरु, सब कुछ देता है, जगत तो मांगने वाला है लेकिन सदगुरु दाता है, उसके पास सब चीज़ें। लेने वाले की कमी है, देने वाले की कमी है ही नहीं। लेना सीखो, जिसकी जोड़ी फटी हुई है दाता उसको कहाँ से देगा। देने वाला बड़ा नहीं, लेने वाला बड़ा होता है। जब कोई लेने वाला किसी के पास जाएगा नहीं, देने वाला किसको देगा। सदगुरु का जगत भिखारी है। क्यों भिखारी है? कि जो दात जो सदगुरु के दरबार से मिलती है वो कहीं की दुनिया की किसी दुकान पे नहीं मिलती। इसलिए प्रेमियों, मैं आपसे ये संकल्प करवाऊंगा कि आप कोई भी भविष्य में ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी को दुख हो, तकलीफ हो, या आपको ऐसा करने से कोई बुरी आदत पड़े। संकल्प लेके जाओ कि आप अगर नाम में, ध्यान में, सुमरण में आधा घंटा लगाते थे तो उसमें नए वर्ष से और 15 मिनट बढ़ाओ, पौना घंटा करो। जो घंटा लगाता था वो सवा घंटा करो। दुनियादारी के काम रात दिन करते रहते हो, जो हमारे काम आने वाली चीज़ है उसको क्यों भुला के बैठे हो। ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस नए वर्ष में और ज़्यादा उन्नति करेंगे, ज़्यादा ध्यान करेंगे, ज़्यादा सुमन करेंगे, ज़्यादा चिंतन करेंगे और अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे और बुराइयों को त्यागेंगे। जितना हमारे से होगा हम गरीबों की, दुखियों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सच्ची भक्ति यही है। जब आपके दिल में दया होगा, प्रेम होगा, श्रद्धा होगा तो समझो कि भक्ति के मार्ग पर आप चल पड़े हो। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं करते हो तो चाहे 4 घंटे ध्यान में बैठना, आपका ध्यान नहीं लगेगा। शुद्ध विचार, मन पवित्र हो जाएगा तो ध्यान करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये आशा रखूंगा और आग्रह करूंगा, किसी को दिखाना नहीं, कहना नहीं, जब करोगे अपने आप जाहिर हो जाएगा। सूर्य जब उदय होने वाला होता है ना तो पक्षियों को भी पता चल जाता है कि अभी सूर्य उदय होने वाला है। जल में बसे कुमोदनी रवि शशि बसे आकाश जो जाहु के दिल बसे तोता हु के पास। जो जिसकी आस करता है और जिसको याद रखता है वो उससे दूर नहीं, उसके पास ही होता है हमेशा। अच्छा चिंतन रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे ख्यालात रखो,
सतगुरु आपको इस नए साल में शक्ति दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, सत्कर्म में, शुभ कर्मों में आपको लगाए, आपको सुख शांति समृद्धि खुशहाली का वरदान मिले। सबको राधा स्वामी।